केजी कैसे रहता है इसका? 60 रुपये केजी है। मतलब 60 रुपये केजी वाला चावल आपको खाने मिलने वाला मटन के साथ, देख रंगत देख सकते हैं चावल का। और जैसे आपने जैसे थोड़ा मसाला डलाएगा, डेली भी खाइएगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं। डेली भी आप यहाँ का मटन खा लीजिएगा तो आपको कुछ नहीं होने वाला, इतना फुल गारंटी के साथ आपको यहाँ पे मिलने वाला। यहाँ पे जो झोर वाला ऐसा ग्रेवी खाना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से आपको तो मिलने वाला एकदम झोर वाला ग्रेवी। और पीसेस की मैं बात करूँ तो अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से पका दिया गया, गला दिया गया, एकदम देख सकते हैं खुशबू जो आ रही है तो एकदम अलग। एक पीस मटन चावल 70 रुपये, एक पीस मटन चावल मतलब आपको 70 रुपये खाने मिलने वाला। यहाँ पे देख सकते हैं बिस्लेरी का पानी यूज किया जा रहा है मटन धोने के लिए, तो सारा काम मतलब बिस्लेरी सब बोतल का पानी से काम होता, खाना पीना मतलब सारा यही पानी से होता है, का पानी से यूज किया। देख सकते हैं मटन की जो सफाई किया जा रहा है अच्छी तरीके से है, और ये देख सकते हैं मटन का जो रंगत, देखिए मटन बोलता हो मटन आपको तो मिलने वाला, अच्छी तरीके से सफाई हो चुका है। यहाँ पे देख जब भी आते थे चुस्ता ले जाते हैं, टेस्ट बहुत बढ़िया है। समोसा चुस्ता आप ले जाते हैं? समोसा सुस्ता ले जाते हैं, टेस्ट बढ़िया होता है, खाते भी है। टेस्ट मिलता है घर जैसा, घर से बढ़िया, घर से एकदम देसी नियर मिलने वाला अगर आप चुस्ता आपको खाना है। और यहाँ पे देख सकते हैं मटन तैयार हुआ, देख सकते हैं लोगों की दीवानगी, देख सकते हैं बाइक लगना स्टार्ट हो गया, ऑटो वाले भैया भी यहाँ पे आते हैं खाने। और यहाँ पे देख सकते हैं लोगों की दीवानगी, देख सकते हैं सुबह सुबह मटन अभी तक तैयार हुआ, लोग देख सकते हैं। तो आज मैं आ चुका हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको खिलाने वाले है घर जैसा खाना, मतलब कि यहाँ पे आप खाना खाइए, घर घर नहीं घर से भी अच्छा यहाँ पे खाना मिलने वाला है। और यहाँ पे आप आइएगा तो एकदम ढाबा वाला फील मिलने वाला है आपको, खाना फाइव स्टार जैसा खाना मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो मसाला इनका जो यूज़ किया जाता है वो खुद का रिसर्च करके भैया बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या सच है क्या झूठ है। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं अनीश ब्लॉग। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को बिना देर के बिना लेट के चलते हैं इनके पास। क्या तो यहाँ पर जो मटन की जो तैयारी है वो स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर देख सकते हैं प्याज का कटना वो देख सकते हैं स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर प्याज की मैं शाइनिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं एकदम फ्रेश फ्रेश आपको एकदम प्याज खाने मिलने वाला है। साइज देख सकते हैं प्याज का काफ़ी बड़ा आपको एकदम साइज मिलने वाला है। तो यहाँ पे कितना किलो प्याज का कटिंग कर रहे हैं? प्याज 8 केजी बन, तो यहाँ पे 8 केजी प्याज को काटा जा रहा है। और कितना किलो मटन बनने वाला है? 8 केजी बन, मतलब 8 केजी प्याज में, मतलब 8 केजी प्याज और 8 केजी मटन बनने वाला है यहाँ पे। मतलब किलो मटन कितना किलो? 8 केजी प्याज 8 केजी मटन है, 8 केजी प्याज में 8 किलो मटन बनने वाला है यहाँ पे, देख सकते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे आप क्या क्या खिलाने वाले हैं? सिर्फ मटन चावल अभी बनता है, सिर्फ मटन चावल मिलने वाला है यहाँ पे आपको, देख सकते हैं। और टाइमिंग क्या होने वाला है यहाँ पे? 10 से 6 बजे तक, 10 से 6 बजे तक आपको यहाँ पे खाने मिलने वाला है। और लोगों को टेस्ट कैसे देने वाला है? टेस्ट अच्छा है, टेस्ट बढ़िया देने वाला, तो अपना जैसा, तो घर के जैसा टेस्ट रहेगा, घर के जैसा आपको यहाँ पे टेस्ट खाने मिलने वाला। तो चलिए इस जायका को क्या यहाँ का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे जो है बड़ा सा देख को रख दिया गया अच्छी तरीके से, तो यहाँ पे जो बड़ा सा देख है रख दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं स्कूटर का तेल अब जा रहा है इसमें, तो कितने लीटर यहाँ पे तेल डालिएगा? 1.5 लीटर, मतलब 1.5 लीटर तेल जाने वाला है इसमें, मतलब तेल का यूज ज्यादा नहीं करते हैं ना, घर जैसे एकदम हिसाब से सब तेल डालता है, हर चीज हिसाब से एकदम रहता है। मतलब जो लोग डरते हैं तेल खाने से तेल ज्यादा रहता है, ज्यादा तेल नहीं रहता है, एकदम हिसाब से सब काम रहेगा। घर पे बनता है ऐसे ही यहाँ पर भी बनेगा, घर पे आपको एकदम मटन बनता है तो यहाँ पे एकदम प्योर दम एकदम उससे भी बढ़िया आपको एकदम खाने मिलने वाला। तेल का यूज़ ज़्यादा नहीं किया था, मात्र 8 किलो में तेल, 8 किलो मटन में मात्र 1.5 लीटर तेल डालते हैं। तो तेल गर्म हो चुका है यहाँ पे, देख सकते हैं अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पे देख सकते हैं सूखा मिर्च, खड़ा मिर्च को डाला जा रहा है। और एक चीज़ और यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी तरीके से एकदम झिलमिलाता हुआ तेल है। और यहाँ पे देख सकते हैं समूचा मतलब नहीं मतलब लहसुन को, खड़ा लहसुन को यहाँ पर डाला जा रहा है प्रिपरेशन के, मतलब अलग तरीके से तो तैयार जो करते हैं अलग तरीके से हमने यहाँ पर तैयारी किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं बारीक कटा हुआ प्याज है टोटल, ये कितने किलो प्याज डाल रहे हैं? 8 केजी है अभी टोटल, इसमें 8 केजी प्याज जा रहा है, देख सकते हैं बारीक कटा हुआ एकदम फ्रेश फ्रेश खाने प्याज आपको एकदम मिलने वाला है। तो सारा प्याज आपको एकदम डल चुका है, और यहाँ पे देख सकते हैं इसको चलाया जा रहा है अच्छी तरीके से। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको एकदम खड़ा लहसुन यहाँ पे डालते हैं, मतलब खाने के भी एकदम आपको एकदम अलग तरीके से एकदम मिलने वाला, मतलब प्योर दम आपको एकदम घर वाला एकदम खाना यहाँ पे आपको एकदम खाने मिलने वाला एकदम घर से भी बढ़िया। अच्छा यहाँ पे खड़ा लहसुन डाले, इससे क्या होता है? इसका खड़ा के टेस्ट अलग रहता है ना, फ्राई हो जाता है इसमें, फ्राई होता है, मतलब खड़ा लहसुन डालने का देख सकते हैं जो रहता है टेस्ट जो है अलग रहता है, देख सकते हैं आपको दम खाने मिलने वाला दम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जा रहे हैं इनका डलाएगा नमक स्वाद अनुसार, हाँ स्वाद अनुसार स्वाद अनुसार जा रहा है इसमें नमक, यहाँ पे नमक भी अंदाजा डाला जाता है। नमक चल चुका है इसमें, अब इसको मिक्स किया जा रहा है देख सकते हैं। तो कितना देर तक इसको गलाइएगा? 5 मिनट, 5 मिनट में गला दीजिएगा। तो यहाँ 5 मिनट में उसके बाद से मटन डाल के फ्राई होगा इसमें सब, मतलब 5 मिनट में प्याज गल जाएगा, उसके बाद फिर क्या इसमें जाने वाला तो हमको बताते हैं।
पे देख सकते हैं बिस्लेरी का पानी यूज किया जा रहा है मटन धोने के लिए। तो सारा काम मतलब सब बोतल के पानी से काम होता है, खाना पीना मतलब सारा यही पानी से होता है, बिस्लेरी का पानी से यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मटन की जो सफाई किया जा रहा है अच्छी तरीके से है, और ये देख सकते हैं मटन का जो रंगत, देखिए मटन बोलता हुआ मटन आपको तो मिलने वाला, अच्छी तरीके से सफाई हो चुका है। यहाँ पे देख सकते निकाला जा रहा। अच्छा, जो लोग मटन खाने से डरते हैं कि क्या कौन सा खस्सी खिला रहे, तो कैसा खस्सी आपका रहने वाला? खस्सी अच्छा रहता है, 8 kg 10 kg का खस्सी। कौन सा खस्सी रहने वाला आपका? देसी खस्सी रहने वाला, देसी रहता है सब, देसी बढ़िया खस्सी मिलने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा प्याज गल चुका अच्छी तरीके, मतलब प्याज को ज्यादा देर तक नहीं गलाते हैं, मतलब तुरंत एकदम 5 से 6 मिनट में प्याज को गला जाते हैं। प्योर हमारा जो मटन है देख सकते एकदम फ्रेश फ्रेश मटन इसमें डाला जाए। तो कितना केजी में क्वांटिटी डाला गया इसमें? 8 kg मटन, इसमें 8 kg मटन गया देख सकते हैं। और यहाँ पे जो अच्छी तरीके से मिक्स किया जा रहा है प्रॉपर तरीके से एकदम आपको एकदम खाने वाला टेस्ट जो है आपको एकदम पूरा एकदम घर घर जैसा नहीं घर से भी एकदम बढ़िया एकदम प्रॉपर तरीके से एकदम अच्छी तरीके से एकदम बना के एकदम मिलने वाला है। अच्छा, तो इसको चलाते हैं कितना देर तक चलेगा? 5 मिनट, 5 मिनट के बाद मसाला डाला जाएगा। 5 मिनट के बाद इसमें और यहाँ पे जो सारा मटन डल चुका है, और ये जो मटन और प्याज का जो कॉम्बिनेशन रहता है मिलते हुए जो मिक्स हो जाता है वो जो खुशबू ही एक अलग अंदाज से दम आपको दम मिलने वाला है। अच्छा, यहाँ पे चलाइए। तो यहाँ पे जो कितने देर आप यहाँ पे चलाते हैं? ये तो चलाते रहेंगे जब तक तैयारी नहीं होगा, जब तक तैयारी नहीं हो चलते। हाँ, चलते जाएगा, भूजने से इसको चलाते रहने से टेस्ट इसका अच्छा रहता है। जितना बार चलाइएगा उतना टेस्ट अच्छा रहेगा। हाँ, अच्छा रहता है इसको, मतलब जितना बार यहाँ पे चलाया जाता है उतना अच्छा दम टेस्ट आपको दम मिलने वाला है। और देख सकते हैं मटन और प्याज का जो खुशबू है अलग तरीके से आने लगा, मसाला डलते देखते हैं क्या होता है। तो मटन सारे डल चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं बिहार का जो डिमांडेबल ज़्यादा रहता है चुस्ता डिमांड रहता है, बड़ा सा साइज में आपको चुस्ता खाने वाला है मिलने वाला है। तो ये चुस्ता कितना ग्राम का होगा? चुस्त वो पीस के हिसाब से रहता है, जैसा साइज रहता है उसी हिसाब से रेट रहता है। अच्छा, रेट क्या रहता है चुस्ता का आपके यहाँ? रेट इसका कोई नहीं है ना, जैसा साइज के ऊपर रेट रहता है, साइज के ऊपर से आपको एकदम यहाँ पे खाने मिलने वाला। और यहाँ पे देख सकते हैं लड़ दो पीस मटन चावल 100 रुपया है, दो पीस मटन चावल 100 रुपए हम देने वाले हैं, एक पीस मटन चावल 70 रुपया, एक पीस मटन चावल मतलब आपको 70 रुपए खाने मिलने वाला है यहाँ पे देख। तो यहाँ पे चुस्ता चल चुका है इसमें और यहाँ पे लर भी चल चुका है, और यहाँ पे जो मिक्सिंग किया जा रहा है अलग तरीके से एकदम मिक्स किया जाता है यहाँ पे एकदम प्रॉपर तरीके से। तो कितना देर तक आप यहाँ पे मटन तैयार कर दीजिए? मटन हो जाएगा तैयारी 1 घंटा में, 1 घंटे में तैयार कर दीजिएगा, मतलब देसी बढ़िया खस्सी रहता है तो 1 घंटा में तैयार कर देगा, मतलब देसी खस्सी का पहचान 1 घंटा में तैयार हो जाता है। हाँ हाँ, 1 घंटा में तैयारी हो जाता है, ये देसी मटन है 1 घंटा में एकदम तैयारी हो जाएगा, अगर हाँ एकदम 1 घंटा में तैयारी हो जाता है। हाँ, घर जैसा अपना टेस्ट रहता है, अपना टेस्ट, हाँ अपना होटल में अपना ही जैसा टेस्ट रहता है, अपना होटल में अपना जैसा आपको टेस्ट मिलने वाला है। अच्छा, ये जो मटन बनाना जो सीखे हैं तो कितना साल कितना बनाने से? ये होटल तो हमको मटन बनाते हो गया 23 साल से बना रहे हैं, 23 साल से बना रहे हैं यहाँ पे। और क्या मतलब यहाँ पर होटल कुछ भी नहीं था, यहाँ पे होटल कुछ भी नहीं था उस टाइम से आप बना रहे? ना ना, इधर कुछ नहीं था, एक एक होटल था इधर, मतलब इससे पहले आप ही का होटल? हाँ हाँ, अब तो बहुत सारा हो गया। तो यहाँ पे 20 मिनट हुआ और मटन का रंगत देख सकते हैं एकदम थोड़ा थोड़ा गन्ना स्टार्ट हो चुका अच्छी तरीके से, और बिना मसाला का लग रहा है कि आपको एकदम इसमें मसाला डाला हुआ, बिना मसाला का मटन का रंगत है, अब इसमें मसाला जाने वाला है, देख सकते हैं मोटा चुस्ता आपको एकदम खाने में। तो यहाँ पे इनका देख सकते हैं प्लेट में अरेंज करके मसाला आ चुका है, तो ये क्या क्या कौन सा मसाला है इसमें? गोलकी, जीरा, धनिया है इसमें, गोलकी है, जीरा, धनिया। तो कितना कितना होगा ये? 100-100 ग्राम है, 100-100 ग्राम। अच्छा, जो लोग मसाला खाने से डरते हैं कि मसाला रहता है किस चीज़ का, तो मसाला कौन सा मसाला देने? सब अपना पिसा हुआ मसाला रहता है, सब अपना पिसा घर का रहता है, घर जैसे अपना पिसा हुआ मसाला रहता है, मार्केट का मसाला नहीं डालते, मतलब मार्केट का मसाला यूज नहीं किया जाता। और मसाला की भी क्वांटिटी देख सकते हैं ज्यादा मात्रा में नहीं डालते, मतलब थोड़ा थोड़ा मसाला डालते हैं बस, एकदम घर जैसे अपना जैसे थोड़ा मसाला डलाएगा, डेली भी खाइएगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं, डेली भी आप यहाँ का मटन खा लीजिएगा तो आपको कुछ नहीं होने वाला, इतना फुल गारंटी के साथ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे जो ये देखिए, ये देखिए, ये जा रहा क्या? गोलकी, जीरा की बारिश हो रही, मस्त धनिया जा रहा है, ये यहाँ पे ये मिर्चा पाउडर के बारिश हो रही है, ये हल्दी गया, जो मसाला का जो कॉम्बिनेशन रहता है मटन में जाते ही वो रंगत और खुशबू आपको बताने वाला कि मटन कैसा होने वाला है। तो सारा मसाला डल चुका है इसमें और ये देखिए जो खुशबू जो है पूरा दम प्योर दम आने वाला आ गया, दम अच्छी तरीके दम प्योर आने आ रहा है, मतलब आपको पता चल जाएगा कि मसाला कहाँ का, मतलब आपको घर जैसा मसाला दम आपको दम खाने यहाँ पे मिलने वाला। और यहाँ पे एक कलेजी भी आपको खाने मिलने वाला है, सारा मतलब पीस क्या देने वाला है इसमें? टोटल पीस रहता है, जो जिसका इच्छा करे वो मांगेगा मिल जाएगा, जो इच्छा करेगा वो मिलेगा। अच्छा, कितने से कितने बजे खिलाने वाले मटन? मटन तैयारी हो जाता है 10 बजे से शाम के 6 बजे तक ले रहता है, मतलब शाम के 6 बजे तक, मतलब टाइम का कोई ठीक नहीं है, कभी
जल्दी होता कभी? हाँ कभी जल्दी भी खत्म हो गया, लेकिन दोबारा नहीं। जो लोग पहले खाना ऐसा मटन आपको एकदम घर जैसा ट्राई करना मटन, तो आ सकते हैं। मतलब 12 बजे से आप पहले ही आइए तो आपको एकदम खाने मिलने वाला, अच्छी तरीके एकदम गर्मा गर्म एकदम मिलने वाला। और जो लोग चुस्ता के शौकीन है, मोटेदार एकदम चुस्ता खाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आके चुस्ता भी ट्राई कर सकते हैं, एकदम बड़ा आपको एकदम मिलने वाला। तो यहाँ पे जो सारा कुछ इसमें डल चुका है, क्या क्या और कुछ जाने वाला? नहीं, अब लास्ट में गरम मसाला डलेगा। तो यहाँ पे सारा कुछ डल चुका है, अब मतलब लास्ट में अब देखते हैं इसमें क्या जाने वाला है। एक घंटा में तैयारी हो जाएगा। तो मतलब एक घंटा में तैयारी हो जाएगा यहाँ पे मटन की, अपना जैसा दम टेस्ट आपको मिलने वाला। तो यहाँ पे आपको दम देख सकते हैं, चावल भी आपको दम बासमती चावल खाने मिलने वाला है, और देख सकते हैं चावल की रंगत देख सकते हैं, आपको दम गीला चावल दम मिलने वाला। कौन सा चावल खिलाने वाला है? लाडली चावल रहता है। लाडली चावल केजी कैसे रहता है? 60 रुपए केजी। मतलब 60 रुपए केजी वाला चावल आपको खाने मिलने वाला मटन के साथ। देख रंगत देख सकते हैं चावल का। जब भी आते थे चुस्ता ले जाते हैं, टेस्ट बहुत बढ़िया है। समोसा चुस्ता आप ले जाते हैं? समोसा। और यहाँ पे देख सकते हैं मटन तैयार हुआ, देख सकते हैं लोगों की दीवानगी, देख सकते हैं बाइक लगना स्टार्ट हो गया, ऑटो वाले भैया भी यहाँ पे आते हैं खाने। और यहाँ पे देख सकते हैं लोगों की दीवानगी, देख सकते हैं सुबह सुबह मटन अभी एकदम तैयार हुआ, लोग देख सकते हैं। मटन की रंगत की मैं बात करूँ तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रंगत आया है मटन का। ग्रेवी देख सकते हैं, जो लोग ऐसा झोर वाला ग्रेवी खाना चाहते हैं, और जो लोग झोर वाला ऐसा ग्रेवी खाना चाहते हैं, तो प्रॉपर तरीके से आपको एकदम मिलने वाला एकदम झोर वाला ग्रेवी। और पीसेस की मैं बात करूँ तो अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से पका दिया गया, गला दिया गया, एकदम देख सकते हैं खुशबू जो आ रही है तो एकदम अलग तरीके से आपको एकदम खुशबू। चाप वाला पीस हम प्रॉपर तरीके से हम अच्छा से पकाते हैं, ऐसा नहीं कि एक पीस पका है, दो पीस पका है, सारा बराबर पकता है, सारा बराबर। तो यहाँ पर सारा बराबर मटन को पकाते हैं। नली का पीस जो लोग शौकीन है नली के पीस को, तो नली वाला पीस आपको एकदम खाने मिल रहा है, प्रॉपर तरीके से पकाया गया, देख सकते हो एक तरीके से, और तुम मसाला देख सकते हो अच्छी तरीके से एकदम घुला है। मटन का जो जायका है वो आ चुका है अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पे जो हमारा पीस है नली वाला पीस हमने लाया है, और मैं ग्रेवी के बात करूँ थोड़ा सा, इधर ला जाइए। ग्रेवी देख सकते हैं काफी गाढ़ा था, आपको एकदम ग्रेवी खाने में मिलने वाला है प्रॉपर। जितना किलो मतलब प्याज रहता है उतना किलो मटन को एकदम बनाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं पीसेस की मैं बात करूँ देख सकते काफी दम बड़ा आपको दम पीसेस मिलने वाला है, दम गर्मा गर्म आपको दम खाने मिलने वाला है और अच्छी तरीके से। और यहाँ पे दिखा सकते हैं चावल, दिखा दिए थोड़ा सा पास लाइए। और चावल भी आपको दम बासमती चावल दम खाने मिलने वाला है, ऐसा नहीं आपको दम चावल मिलने वाला, दम प्रॉपर तरीके से मिलने वाला। टेस्ट करके बताते हैं यहाँ पे कैसा टेस्ट रहता है। तो चलिए यहाँ पे हमारा ग्रेवी देख सकते हैं, दम लटपट सा आपको दम ग्रेवी, झोर वाला आपको दम ग्रेवी मिलने वाला। पीसेस देख सकते हैं काफी बड़ा, थोड़ा सा दिखा दीजिए, गर्मा गर्म आपको दम पीसेस मिलने वाला। ये देखिए दम नली वाला पीसेस है, काफ़ी गर्म है, तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं, तब तक हम ट्राई करते हैं कलेजी। यहाँ पे हमने कलेजी मंगाया, गरम गरम आपको दम खाने मिलने वाला है, चावल खाने मिलने वाला। ग्रेवी में मिक्स करते हैं, तो पहले ट्राई करते हैं इसका मसाला, देख सकते हैं मसाला जो है प्रॉपर तरीके से पका, ऐसा नहीं कि सारा मसाला नहीं गला, कुछ मसाला पके हैं कुछ मसाला गले हैं, प्रॉपर तरीके से मसाला टेस्ट अच्छा है। मसाला आप खाते ही पता चल जाएगा आपको मटन कैसा होने वाला। तो चलिए मटन को ट्राई करते हैं। ये पीसेस देख सकते हैं गरम गरम आपको एकदम पीसेस मिलने वाला, थोड़ा सा रुके रुके पोस्ट करिएगा दोस्तों, इसको दांत से काटना पड़ेगा। आगे आगे बढ़ा के पीसेस देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से पका गया, ये देख सकते हैं गरम गरम आपको तो मिलने वाला है, इसी तरीके से पीसेस मिलने वाला। और ये चावल के साथ आपको एकदम ग्रेवी के साथ बासमती चावल के साथ आराम से इंजॉय करके खा सकते हैं। टेस्ट जो है एकदम घर जैसा आपको टेस्ट मिलेगा, घर से भी एकदम अच्छा टेस्ट मिलेगा, एकदम आप आइए एकदम आपको एकदम अपना जैसा फील मिलेगा।